गाजीपुर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के पहल और नगर पालिका के प्रयास से शहरवासियों की लगभग 3 दशक से चली आ रही समस्या समाप्त होने जा रही है। आम रास्ता महुआ बाग से ददरी घाट जो ओपीएम फैक्ट्री ने गेट लगाकर वर्षों से बंद कर अपने कब्जे में लिया हुआ था, अब उसे जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने SDM सदर व क्षेत्राधिकारी सदर को खोलने के लिए आदेश दे दिया है। जिलाधिकारी ने SDM सदर व क्षेत्राधिकारी नगर को आदेश दिया है कि न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करते हुए कार्रवाई कर 1 सप्ताह के भीतर हमें सूचित करें। ज्ञातव्य है कि नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने DM को पत्र दिया था जिसमें यह उल्लेख किया था कि OPM फैक्ट्री व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के चाहर दीवारी के बीच ददरी घाट से कचहरी रोड को जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क को OPM फैक्ट्री द्वारा अतिक्रमण कर गेट लगा दिया गया था। इसके संदर्भ में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने महाप्रबंधक OPM फैक्ट्री गाजीपुर की रीट याचिका संख्या 1292/1995 को खारिज कर दिया, जिस पर DM ने रास्ता खोलने के लिए आदेश दिया है। जिला अधिकारी के इस निर्णय का भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद अग्रवाल ने स्वागत करते हुए कहा कि यह मार्ग खुल जाने से शहर में जो जाम लग रहा है उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। उन्होंने जिलाधिकारी के त्वरित कार्रवाई पर उन्हें धन्यवाद दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।